नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे अहोभाग्य हमको पुनः आजान भुज सरकार की चौखट पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। पंडित जी नीचे की ओर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि यह मंदिर पूरे भारत में एकमात्र ऐसा एक लौता मंदिर है जहां पर आजान भुज सरकार विराजे हैं। तो दोस्तों हम मंदिर में अब प्रवेश करते हैं। मंदिर के ठीक बीचों बीच यह है कमल के आकार का यह है तुलसी घरा है और बीचों बीच उसमें लगा हुआ आंवला का पेड़ है। आज इंछा नौमी है जिसको आंवला नौमी भी बोलते हैं। यही आजान भुज सरकार का मंदिर है। ऊपर लाल ध्वजा लहराती हुई कितनी सुंदर लग रही है जो गगन को चूम रही है। और इस मंदिर के ठीक सामने आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि यह पहाड़ पर स्थित जो मंदिर है इससे दूर दूर तक आपकी जहां पर नज़र जाएगी आपको छतरपुर ही छतरपुर दिखेगा। बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा यहां से दिखाई देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने हमारे यह छोटू जी तिवारी इस मंदिर के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। आपको हमने इनसे परिचय कराया। अब दोस्तों देखिएगा आज इंछा नौमी पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है और भंडारे में भी सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि यहाँ पर मालपुआ जो हमारा बुंदेली खंड का विशेष व्यंजन है उसको हर श्रद्धालु को वितरण किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति राम जानकी की इस मंदिर में स्थित है। आज आंवला नवमी है यहाँ पर विशेष भंडारे का आयोजन होता है तो विशेष सजावट भी है। यस आप देख सकते हैं बिल्कुल झांकी यह है भगवान श्री कृष्ण के समय की है कि जब गोपियाँ तालाब में नहा रही थी उसी समय की यह झांकी हमको महसूस होती है। सामने कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं आजान भुज सरकार के दर्शन कराते हैं। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। पंडित जी श्रद्धालुओं को चन्नामृत प्रसाद दे रहे हैं। यह परिक्रमा मार्ग है और सामने बिल्कुल आपके ठीक सामने है आजान भुज सरकार। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। आप देख सकते हैं कि यह लड्डू गोपाल और शालिग्राम महाराज विराजे हैं और ठीक ऊपर आजान भुज सरकार विराजे हैं। आप मूर्ति देख सकते हैं दोस्तों इनकी जो हाथ हैं कमर तक आते हैं। और दोस्तों दूसरी ओर चल रहा है भंडारा। यहाँ पर श्रद्धालु बैठ के भोजन कर रहे हैं और प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। देखिएगा माताएं एक साइड में बैठी हुई है दूसरी तरफ में श्रद्धालु। आप देख सकते हैं भंडारे का प्रसाद सामने मालपुआ है सब्जी है पूड़ी है आंवले का अचार है मिर्ची है। बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का भंडारा लोग ले रहे हैं और प्रभु के नाम के गुण गा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अहोभाग्य हमको यहाँ पर भंडारे में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी ओर जहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है। लोग वहाँ से प्रसाद ले रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भंडारे का प्रसाद बैठकर ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दो सामने यह दोना पत्तल तैयार किए जा रहे हैं। हमें पहले सब्जी डाली जाती है उसके साथ ऊपर पूरी और ऊपर उसके ऊपर मालपुआ जो यहाँ का प्रसिद्ध है यहाँ का प्रसाद है मालपुआ इंछा नौमी पर यहाँ पर वितरण किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा श्रद्धालु ले रहे हैं प्रसाद दोने का और नीचे की ओर निकासी द्वार से बाहर की ओर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह निकासी द्वार और जैसे ही निकासी द्वार की ओर आते हैं यहाँ पर विशाल हनुमान जी महाराज की मूर्ति तैयार हो रही है जो आपको बहुत ही दूरी से आगे चल के दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कितने विशाल हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप बने रहें मेरे साथ। आप सभी को सादर जय श्री राम वंदे।